उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बुधवार को देहरादून में हुई बारिश के कारण रायपुर क्षेत्र का नाला उफान पर आ गया। इससे कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया। घरों में पानी घुसने से कई घरों के सामान खराब हो गए। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के कारण देहरादून के रायपुर क्षेत्र के शांति विहार और भगत सिंह कॉलोनी में स्थित नाले में तेज बरसाती पानी आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। पानी को देख लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल गए। वहीं सड़कों पर भी पानी 1 से 2 फीट तक रहा। रात भर लोग घर में घुसे पानी को निकालने में जुटे रहे। उधर रात भर बिजली भी गुल रही, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि नाले के उफान से बिजली के कई खंभे भी गिर गए और एक पुल भी ढह गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी गई। लोगों का कहना है कि सुबह करीब 3 बजे बरसाती नाला उफान में आ गया। नाले में उफान आने के बाद घरों में करीब 3 से 4 फीट पानी आ गया था। सुबह होने के बाद भी कोई भी विभाग मदद के लिए नहीं आया। घरों में पानी घुसने के कारण कई लोगों का सामान खराब हो गया। मसूरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के कई बरसाती नाले बंद पड़े हुए हैं, जिसका बरसात का पानी सड़कों पर बह रहा है और लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों में घुस रहा है। वहीं मसूरी 0.PWD गेस्ट हाउस के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग बरसाती नाला बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण बरसात का पानी सड़क पर बहते हुए लोगों के घर और प्रतिष्ठानों में घुस रहा है। वहीं बंद पड़े नाले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता देवचंद कुमारी ने सोशल मीडिया में नाले के बंद होने के साथ पानी से होने वाले नुकसान का वीडियो भी अपलोड किया, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को बंद पड़े नाले को खोलने के निर्देश दिए गए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे के कर्मचारी JCB के साथ मौके पर पहुंचे और बंद नाले को खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।